beautiful and God. Satnam Kartapur Nirbhar Nirvair Akal Murad Ayuni Saipan Gur Prasad Gyan Dhyan Kishkarm Najana Saar Najana Teri Sab Tevaka Satgur Nanak Jin Kal Rakhi Meri Sab Tevaka Satgur Nanak Jin Kal Rakhi Meri ज्ञान से अंकित कर्म न जाना नाहन निर्मल करनी साध संगत का अंचल लाओ नदी जाए स्थानी साध संगत का अंचल लाओ से संयोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नामे उचारे से संयोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नामे उचारे सतनाम वाहे गुरु जी श्लोक महला चौथा कर कृपा सतगुर मेलियन मुख गुरमुख नाम ध्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुरपुरा करी वसाए सी जिन अंदर नाम निधान है तिनका भाव सब गवाए सी जिन रखन कौ हर आप होए होर केती चख चख जाए सी जन नानक नाम ध्याए तू हर हलत पलत छड़ाए सी जन नानक नाम ध्याए तू जन नानक नाम ध्याए तू हर हलत पलत छड़ाए सी महला चौथा गुरसिखां कै मन भामदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैर सतगुरु की निज चढ़ सवाई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म शगाई गुर सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निवाई जिन लिखा मेरा सतगुर भाव कर तिनके सब पाप गवाई हर दरगे ते मुखले बशो पापाई जन नानक मंगै धूर तिन जो गुर के सिख मेरे भाई जन नानक मंगै धूर तिन जो गुर के सिख मेरे भाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गरीब नवाज पाशाह दे पाशाह तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन जी सदगी पावी सत्संग सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है
ti su pakovi, sad smo i sad vratili. Gaurira gdeviće, Guru Ramdas paša di ujari vej, Pavnu vadi, kasi dravi vadi ujar saran ka reha. Adja pan, is vadi dharmi parinar, jo do slok han, inna da paak saran gita hai. Kala pa saran ka rahe si, ke jo Guru hai o sat hai, सत नारे कमे है इस करके वो सत है सदा रहने वाला है गुरु के अंदर भी वाहिगुरु परमेश्वर का वासा है ते बाहर भी उसने सत है उसे दाग वासा दिसदा है उसने जो तत्वों वाणी प्राप्त हुई है और शब्द का सरकार अपने अंदर वकारा नु काबू कर लिया अजे पूरे गुरु नु जो भी देखता है उसका मन टिका हो जाता है अजिहे गुरु तो बलिहार जाइए गुवारे वाले जाइए परमेश्वर का एक निजम है कि गुरु की गुरु की शान पाए हुए गुरु के प्यारे की हाथ जित होती है उन्होंने विरोध करने वाले जो मनोज लोग हैं वो हमेशा ही जिंदगी की बाजी हार के देते हैं अज बख्शिश कर रहे हैं गुरु रामदास पातशाह सलोक महला चौथा कर कृपा सतगुरु मिले मुख गुरमुख नाम के आए सी जिन्होंने उत्ते कृपा की अकाल पुरख परमेश्वर ने उपर भला चंगा कर्म जिहड़ा सी प्रगट किया वो गुरु की छाने में पाए गुरु वाले बने फिर गुरु की सिक्ख्या अनुसार नाम त्यों लग पाए सो करे जो सतगुर भाव से गुर पूरा करनी साए सी अजे गुरु के सिख वो कुछ करते हैं जिंदगी जो गुरु की रजा है जो गुरु महाराज सिक्ख्या देते हैं जिसका सदका उन्होंने शक्ति हमेशा ही अंतर्मुखी रही है बाहर जो कुछ संसार विच है वे वेख के इस उन्होंने मन में कोई भटकना नहीं और ना ही कोई भरम पैदा होता है जिन्हें अंदर नाम ददान है इनका भाव सब गवाए से गुरु की कृपा के नाल जिन्होंने अंदर ये नाम का खजाना वस गया वो हर तरह के डरों से मुक्त हो जाते हैं जिन रखन को हर आप होए और केती चक चक जाए से जिन्हों की रखा करने वाला वाहिगुरु परमेश्वर आप होवे उन्हों का विरोध करने वाले लोग जो हमेशा चख मारते रहते हैं वो रब के प्यार का कुछ नहीं रुका सकते जब नान नाम प्यारे तो हर हल पद छाए से ये प्यारे तू भी गुरु की शान च बैठ के परमेश्वर का नाम त्याया कर तेरी इस लोक भी परलोक भी ग्रंथाई वाहिगुरु परमेश्वर मदद करेगा आसा मैं चलता गुरसिखा के मन भाव दी गुरु सतगुरु की वड़ियाई गुरसिखा के मन गुरु की वड़ियाई बहुत ही चंगी लगती है हर राखो पैर सतगुरु की नित चढ़े सवाई हमेशा ही वो अरदास करते हैं कि हे अकाल पुरख तुम सदा ही गुरु की पहल रखनी और इस तरह ही गुरु भी साढ़े तक रुक के साड़ी भी पाए जाता है गुर सतगुर कह मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म शिकाय वाहिगुरु परमेश्वर गुरु का पक्ष ले रहा है इस करके जड़ा भी गुरु के नाल विरोध करता है बुरा तकदा है गुरु का गुरु की रखा वो आप परमेश्वर करता है गुरु सतगुरु ताम दीवान हर तेन सब आनंद है गुरु का वादा ते गुरु का सहारा जो है वो परमेश्वर ही है जो सब नहीं गुरु दे के नवान दा है जिन्हें इकट्ठा मेरा सतगुरु पाव कर तेन सब पाप करे
जिन्होंने भी प्रेम के नाल गुरु के दर्शन दिए, गुरु के दर्शनों का ही इन्ना फल है कि तरह तरह के अनेक ही किए गए पाप जोड़े हैं उन्होंने फल तो गुरमुख कर दिता है सेवकों हर गए थे गुजरे बख्शों का। अजिहे वाहगुरु के प्यार की वाहगुरु की दरगाह शोभा होती है उन्होंने मुख उत्ते गुजरे होंगे जानक मंगे टूटते हैं जो गुर के सिख मेरे पाए। हर कहते कि मैं उन्होंने चरणों की धूल मंगता हाँ जिन्होंने आपा समर्पण कर दिता है गुरु वो मेरे भरा हैं और वो मेरे चंगे लगते हैं पौड़ी हों आख सदा ही सिफ सच सच सच्चे की उड़िया मैं वाहेगुरु परमेश्वर की जो सच है जिस दिया वड़गाइया सच हैं मैं उस दिया वड़गाइया के लिए करता रहा हाँ सदा ही सच सलाह सच सच कीमत कहने ना पड़े उस वाहेगुरु परमेश्वर दिया सिफतं करद्या वड़गाइया करद्या कोई इसका मुल नहीं पा सकिया कोई यह नहीं दस सकता कोई इन्ना बड़ा है सच सच्चा रस जिन्हें चख्या से तृप्त रहे अगाई जिन्होंने भी सच्चे वाहेगुरु परमेश्वर के प्यार का रस चख्या है सदा ही जिंदगी संतुष्ट है ये हालत सही जानते जो गुंगे मिठाई खाई इस रस में वो भी जानते हैं जेड़े इस रस में चखते हैं और जिमें गुंगे मिठाई खवा के कहिए रस कि स्वाद आया है वो बोल नहीं सकता है इस तरह ही जो परमेश्वर के प्यार का रस है इस रस में मानते हैं लेकिन दस नहीं सकते कि हो जाए गुरपुरे हर सेव्या मन रजीवा लाए जिन्होंने भी गुरु के राही वाहिगुरु परमेश्वर याद किया ध्यान जुड़े उन्होंने सदा ही खुशियां सलोक मैला जिन्हें अंदर उम्र थल से जानन सोही उम्र थल की है ये पिट विच होने वाला घोड़ा है जदों कितने हो बाहर नहीं निकलता है अंदर ही उम्र थल अंदर ही पैदा होया घोड़ा होता है बंदा लम्मा नहीं पै सकता है बहुत दुख देता है सही जमन सोलियाँ जिन्हों के अंदर परमेश्वर के प्यार का यह सल पैदा होता है सल भी इस कहते हैं भाव जदों कि थोड़े जे भी समय वास्ते उन्होंने छोड़ा होता है वाहेगुरु परमेश्वर का थोड़े समय से वाहेगुरु परमेश्वर को भुलते हैं तो उन्होंने इंज महसूस होता है कि जिमें उन्होंने अंदर एक उम्र थल पाव अजिहा घोड़ा जरा हो गया है और इसकी पीड़ में वही ही जानते हैं सुनिया इसकी पीड़ में वही जानते हैं जो इस विछोड़े के दुख चलते हैं वही जानते हैं बाहरले लोगों को नहीं पता लगता है हर जान है से फिर हों तीन मिनटों सारे गुम खो दिया मारे कहते कि वाहेगुरु परमेश्वर के विछोड़े का जो सद है जो दुख है वो जिन्हों महसूस होता है जिंदगी जो महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह महसूस होया तो उन्होंने कहे घड़ी ना मिलते अकालयुग होता हम खत्म मिलिए प्रयत्न गुरुआ का मुहरण ना विहावे नींद ना आवे बिन देखा गुरु दरबार कहते नाम नींद आती है रात ही नींद आ खाण पीन जी करता किवें ना किवें गुरु के दर्शन होने ये मारे कहते कि उन्होंने तो मैं वारे जाता हाँ बलिहार जाता हाँ जिन्होंने अंदर ये विछोड़े का सल पैदा होता है हर मेल हो सज्जन पुरख मेरा सिर तीन मिनटों सल रो दिया हे मेरे मालिक मेरे से कृपा करो मैनू अजिहा सज्जन पुरख मना दो इस जीवन दे जो पूरा गुरु है मैं अपना सिर इस तो
वारे वारे करता हाँ तद रोदिया भाव उसके पैरों दलिया थले रखने तैयार हाँ अपने सिर भाव मैं पूर्ण तौर पर अपनी होमे खत्म करके उसके चरणा का दास बन तैयार जो सिख गुर कार कमावे हों गुरमत ना कर बोलिया जेड़े भी गुरु की शरण में बह के गुरु की सिक्ख्या कमाते हैं मारे कहते मैं तो उन्हों का गुलाम हाँ भाव मैं उन्हों का दास हाँ दासा का भी दास हाँ हर रंग जो जुड़ते तीन भिन्नी हर रंग जुड़ी है जिन्होंने ये प्रेम का रंग चढ़िया है उन्होंने ये चोले की है देह है ये बात सही समझता ये देह सदा ही इस प्रेम के रंग में बिजी रहती है भाव हर वेले ही उन्होंने दे मस्ती उन्होंने अखा में रही हर वे आनंद रही कर कृपा नानक मेल गुर कर कृपा नानक मेल गुर पैसे हे मेरे माता मेरे से कृपा करो मैनु अजिहा गुरु मिला दो मैं गुरु तो यह सिर कुरबान करना चाहता वारे वारे करना चाहता हाँ भाव मैं अपना आपा संपूर्ण तौर पर गुरु को समर्पण करना चाहना सो आज जो दिन है कल आप सरवण कर रहे सी कि मृगे तो थानेदार जो है कतौड़ी का मुखी है वो माता गुजरी जी साहबजादियां लैके इतने सरहंद आ गया है सरहंद रजीते दसिया है कचहरी लगी हुई है पेश किया है तो रजीते ने वेख्या है बच्चों उसके माता वाल कहते ठंडे बुरज के रात कैद करते पूरा सख्त पहरा रखे कोई उत्थे जाना नहीं चाहिए इन्हों कोई कपड़ा भी नहीं देना है ना ही इन्हों कोई खाण पीन नहीं देना है ये हुक्म देख रहे वजीदा तो अपने घर चले गया है एक इतने ही सरहद के जेड़े कैदी होंगे सन जेल के उन्होंने कैदियों का लंगर बना मोती लाल मेहरा मेहरा इन्हों की जाति से मेहरा कहते हैं ये गुरु घर का प्रेमी से अंदरों गुरु के नाल जुड़िया परिवार के समय का इस जो ये सारा पता लगा इसने वेख्या माता जी ने बिरध माता 85 साल की उम्र है और गुरु महाराज के छोटे छोटे बाल जड़े हैं एक ही उम्र 7 साल की है एक दी 9 साल की है इन्हों ठंडे बुरज के कैदी बनाया जा रहा है उसके मन के उस दस है क्योंकि रजीते का हुक्म सी कि होरना कैदियों वाग इन्हों कुछ भी खाण पीन नहीं देना है वही खा गया घरों दुध गर्म करके लिया और उन्होंने पता सी कि जो पहरेदार हैं जेल के जिन्हें भी तकरीबन सन ये सारे रिश्वत ही होंगे रिश्वत खोर होंगे इन्होंने रिश्वत दे के कुछ भी करवाया जा सकता है अपनी पत्नी के कुछ गहने लैके नाल आया आके उन्होंने पहरेदारा वो लालच दिता गहने का कहा कि मैं एक माता बच्चों कल दे वेखो भुखे हैं दस आता है तुम मैं दुध प्या लगते हो भी लालच में आ गए और मोती राम ने कुछ थावान से लिखा है कि पिछले बन्ने एक पेपर होता से उस पेपर भी काफ़ी उच्चा से उस पेपर के राही उत्ते मुर्ज के उत्ते चढ़िया मोती राम कुछ थावान से यह भी लिखा है जदों लालच में आए तो उन्होंने ताला जरा खोल दिता उसमें उत्ते जाने की आग्ञा दे दी और इसने दुध पिया है अज की रात जी लंघी है ये माता जी ने साहबजादे ने ये
इस बुरज के गुजारी है। मोती राम ने दुद पिया। सो अज फिर दोपहर के टाइम फिर कचहरी लगेगी। अज फिर कचहरी के उन्होंने पेश किया जाएगा और जतन किया जाएगा कि उन्होंने हर तरह के लालच दे के डरावे दे के डर दे के उन्होंने किसी ना किसी तरीके दे इस्लाम के लिया जाए, क्योंकि जिन्हें मुसलमान हाकम हुए हैं इन्हों का पहला जरा सेनौता यही होंगे सी कि जरा विरोधी है जो उसने कोई गलती की है कसूर किया है जो फड़िया जाता है तो उसनों पहला तो कोशिश होंगी सी कि इस मुद्दे ने इस्लाम के लिया जाए, जो इस्लाम कर ले तो उसकी जान बख्श देते सर, जो नहीं करता उसमें सुझाव बहुत ही दी जाती सी, जहाँ जुर्माना भी बहुत सारा जुर्माना भी कर दिता जाता है। सो जो हर तरह के लालच दिते गए और डरावे भी दिते गए कि देखो ताके ताके बाप भी नहीं है ताके परिवार का कुछ कोई भी नहीं कोई हिमाई रह गई है ताके कोल बाकी सारे खत्म हो गए हैं, जिन्हें सिंह सन गुरु के नाल वो सारे वो भी खत्म हो गए हैं, हम सिर्फ तुसीं रह गए हो, जे तुसीं साडी गल मन के इस पासे आ जाओ तो तुहाडा भला हो सकता है। इतों तक कि उन्होंने यह भी लालच दिता गया कि तुहानूं जिहड़े हैं राजकुमारियां दे जोड़े दिते जाणगे, तुहानूं जीवन के सारे सुख दिते जाणगे, पर बच्चों ने परवाह नहीं की। एक होर घटना का जिक्र है ये जरा आज पेश किया है वजीदे की कचहरी के विच, इन्होंने पर कल भी गेट खोल के अंदर लंघाया सी और उन्होंने जाके फतेह जाके सलाम नहीं की वजीदे नूं, साहबजादे ने बड़ी नगरता दे नाल जाके फतेह बुलाई है, सारी सभा दे सारे हैरान हो गए। सिपाहियां ने कहा कि यह नहीं बोलना है, क्योंकि उन्होंने पता सी कि सिख जिन्ने हैं गुरु महाराज के सारे फतेह बुलाते हैं जो भी कोई सामने आता है, वो कहते सिपाही कहते नहीं तुसी सलाम लाओ, जो मुसलमान एक दूजे नूं सलाम लाते हैं और गैर सलाम लाते हैं नहीं देते हैं, उन्हें कहा नहीं। अज जिहड़ा दिन है इतिहास लिखा है कि उन्होंने वड्डा गेट नहीं खोलिया और उन्होंने जी छोटी खिड़की वड्डे गेट के आम तौर पर पहला इदा ही होंगे सन, वड्डा गेट हों बहरदा उस छोटी खिड़की होंगी सी जिसमें एक बंदा जरा सिना सकता थोड़ी थल उची होंगी सी, उन्होंने उस खिड़की लगाने का यत्न किया। दोनों साहबजादे ने एक दूजे वाल वेख्या समझ गया रमजोना की समझ गया कि कल तो गेट खोल के सन लगाया अज इन्हें गेट नहीं खोलिया है, तो इन्हों का मन में यह है कि जो ये वारी वारी गेट के उ चढ़ के तां थोड़ा जिहा उच्चा तां चढ़ के अगे उतरेंगे तो इन्हों के सिर अपने आप ही अगे वजीदे दे अगे झुक जाएंगे, ये सिपाहियों ने सोचा से। दोवां साहबजादियां ने आपस में वेख्या और वेख के कहा कि ये अज चलाकी की है, आपां इदां करना है उत्ते चढ़ के गेट की खिड़की दे विच फिर पिठ वाले पासे उतर लैनी है, वजीदे वाले पासे पिठ करनी है और पिठ करके दोवें तरीके ने एक सदा छाल मार के उतरना, एक पिछे नूं पिठ करके खां नूं की उतरना, छोटे सन बहुत छोटे 7 साल का बच्चा कितना बंदा 15 जना सकते हैं, फिर 9 साल का तिना हुंदा है थोड़ा जिहा अक्ख हुंदा है। सो उन्होंने पुठे रुख होके उतरे और जाके फिर उस तरह ही सलाम नहीं बुलाई उन्होंने, भावें जिन्हों ने जिक्र किया उन्होंने सिपाहियों ने कहा कि उन्हें सलाम नहीं बुलाई, उस दा नगरता दे नाल अज भी उही उत्तर दिता जो कल सी कि तू जो कुछ करना चाहता है करना है, असी सलाम नहीं कबूल कर सकते, साडे पिता नूं कोई मारन वाला दुनिया च जे पैदा नहीं होया,
वो सदा ही रहने वाला है, इस करके सानू ए नाम झूठ बोलना तू खालसे पंथ नूं ही खत्म कर सकदा है, ये विश्वास है। सो वो इसे तरह ही अज दी अज दा दिन जिहड़ा है कचहरी विच पेश कीता गया, कल नूं फिर करना है, ये तीन दे तीन दिन जिहड़ा है ये साहबजादे ने इंटरोगेट किया गया। इंटरोगेट मतलब आप ही समझे हो, जो फुरसत जाती है तो उन्होंने इंटरोगेशन सेंटर बनाए, उत्ते सौन नहीं देते हैं, उन्होंने भुखा रखते हैं, होर तरह तरह तसीहे देते हैं ताकि वो जो है वो ईन मांगे। सो ये सारा कुछ इस करके जो साहबजादे चुके नहीं और उन्होंने जो खरा खरा जवाब दिता मजीदे सारे हैरान सन। फिर वजीदे ने कहता कि इन्हों लो इन फिर अजय होर समझा के वेखो कि बहुत छोटे हैं, मैं नहीं चाहता कि इन्होंने खत्म किया जाए, इन्होंने एक बार फिर लैंने समझाओ, कल फिर कचहरी पेश कर। सो वापस लाए सिपाही माता जी के कोल, माता जी ने फिर जिवें पहला बच्चों पूरी सिखमा दिती सी, वे सतगुरां दीआं सारीआं गल्लां सुणीआं, गुरु अर्जन देव पातशाह दा इतिहास बच्चों नूं दस्सिआ सी, और इस तरह ही गुरु तेग बहादुर पातशाह दा इतिहास सारा दस्सिआ सी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी जिन्ने बली सन उन्हां दा इतिहास दस्सिआ सी, ये इस तरह ही दसम पातशाह दा 9 साल की उम्र दे विच गुरगद्दी ते विराजमान होए, और छोटी उम्र 9 साल की उम्र में ही उन्होंने की कुछ किया, पहाड़ियों के नाल जंग किया और हर युद्ध के सफलता प्राप्त करते रहे, ये सारा कुछ उन्होंने दसिया हुआ है। इस इतिहास को वाकफ होने करके साहबजादे को देनिया दूसरा बाणी की गुड़ती से माता जी माता गुजरी जी आप भी कुछ थाना से गुजर कौर जी भी इतिहास लिखा है, वैसे नाम प्रचलित जिहड़े हन इतिहास दे विच जिवें माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर साहब जी दे माता सन, उन्होंने नानकी कौर जी किते नहीं लिखा है, इस तरह माता जीतो जी जीत कौर जी किते इतिहास च नहीं लिखा है, ये वैसे अपने कोलों ला लैने आप। इस तरह ही माता सुंदरी जी माता साहब कौर जी ये इन्हां दे नाम दे नाल बाकी इतिहास के जरा है वो जिमें आम घर ना लेंगे हैं उस तरीके ना ले देंगे सन, दोवें नाम दोवे च कोई भी ले सकते हैं, कोई उकाई नहीं है, ये नहीं कि उन्होंने अमृत नहीं छकया, अमृत उन्होंने छकया सी कौर भी सन, लेकिन प्यार के नाल घर कई बार वर्गे जड़े हैं वो अजिहा ना जो छका ना ये लै लेंगे हैं, प्यार सी गुरु घर इतिहास प्यार से, और दसम पातशाह जी भी मातावान बहुत प्यार करते सन, अपनी माता गुरज कौर जी ने बहुत प्यार करते सन, इस तरह ही दादी नानकी जी ने बहुत प्यार करते सन, इस करके ये नहीं सन सोचने की लोड़ बड़ा एक जहा जो चल रहा है। सो अज भी रात लंघी है, दस ने बेनती सा ग्रुप बने के बाबा जस्सा सिंह का दस फिर बेनती है कि जेडे अजे तक इस ग्रुप के वट्सएप के मोबाइल के उत्ते बनाया हुआ है, इस ग्रुप के जेडे अजे तक शामिल नहीं हुए वो अपना जो फोन है उन्होंने वो तो अपने नंबर लिखाओ, इंद्रजीत सिंह अपना नंबर लिखा तो तुम उस ग्रुप शामिल कर लें, कोई पैसे नहीं उस लगते, जिन्हें भी इतने प्रोग्राम होंगे जो रोज की कथा है ये अपने आप ही तेजे को पहुँच जाएगा, और इस तरह जो हुक्मनामा सवेरे होंदा है वो हुक्मनामा भी आया, होर कोई जो विशेष प्रोग्राम होए उसकी भी रिकॉर्डिंग होंगी है, ये सारा कुछ अपने आप ही घर के चल जाता है। राती जिहड़ा ठंडे बुरज दे चल रहा सीर्तन वो दस ने वेख्या, वैसे पीटीसी सिमरन के उत्ते तो शुरू हो गया सी 7 बजे पर यूट्यूब के उत्ते जिहड़ा सी ये सारा दिन ही चलता। देखो ये दिन जिहड़े हैं ये होर झक मारन दे दिन नहीं हैं, और अपने मोबाइल दे उत्ते तुसीं ये अपना ये यूट्यूब तो तुसीं गुरदा फतेह साहब फतेहगढ़ साहब का जो प्रोग्राम है वो लाइव आता है इन्होंने दिनों
ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਇ ਦੇ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਗੈਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਨਾ ਹੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਿਆਂ ਹੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਿਰਤ ਕਾਂਡ ਅਕਿਰਤ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਜੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੇਖੇ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਦੁੱਧਾ ਲੱਗਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।